हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। अब यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो फ्रेंड्स उसके द्वारा जो यूडिन जनरेट किया गया है उसे वेरीफाई किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है 26 नवंबर 2020, जिसमें के बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के पोर्टल पर चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाता है, उसे सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पर वेरीफाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, आईसीआई के द्वारा 2 अगस्त 2019 से यह मैंडेटरी किया गया था कि जो भी सर्टिफिकेट या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या दूसरे टेस्टेड डॉक्यूमेंट सीए के द्वारा अपलोड किए जाएंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, उनमें यूडी नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आईसीआई के पोर्टल से इंटीग्रेशन कर लिया गया है और अब आईसीआई के पोर्टल के द्वारा जो यूडी नंबर जनरेट किया जाएगा उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा ये मैंडेटरी किया गया था 27 अप्रैल 2020 से कि जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई किए जाएंगे या टेस्ट किए जाएंगे चार्टर अकाउंटेंट्स के द्वारा उसमें यूडी नंबर मेंशन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अब जो यूडी नंबर ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट में चार्टर अकाउंटेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे ई फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसे आईसीए की वेबसाइट के साथ वेरीफाई किया जाएगा ताकि इनकरेक्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को के बारे में पता लगाया जा सके। यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी वजह से ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हुए यूडी नंबर को जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो फ्रेंड्स वो बाद में भी ये नंबर अपडेट कर सकता है। इसके लिए उसे 15 कैलेंडर डेज का टाइम दिया गया है कि वह यूडी नंबर को इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के पोर्टल पर अपडेट कर दे। लेकिन यदि वो 15 दिनों के अंदर भी यूडी नंबर ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट के लिए अपडेट नहीं करेगा तो जो ऑडिट रिपोर्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है उसे इनवैलिड माना जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।